हर हर महादेव ASRT ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार अमरनाथ और माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे निकला हूँ और हम चढ़ाई चढ़ के कटरा की माँ के भवन तक पहुँचने वाले हैं। ज़्यादा दूर नहीं है माता का भवन। और ये देखिए वाइट कलर में जो आपको दिख रहा है, ये अर्धकुमारी मंदिर है और इसी की बैक साइड में माँ वैष्णो देवी का भवन है। तो हम चल रहे हैं साइकिल से और यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर कटरा है बस, और ऐसे ऐसे चढ़ाई चढ़नी हमने। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और माता रानी के दर्शन करने हम जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। तो जय माता दी। रास्ते में गुरु जी मिले हैं तो ये नीचे ही हमें बोले थे कि आप ऊपर आइएगा तो चाय का अरेंज करेंगे। तो ये सेवा कर रहे हैं गुरु जी। और ये देखिए चाय का कलर, ये कौन सी चाय है गुरु जी? देसी चाय है। तो यहाँ पर हम पियेंगे देसी चाय और यहाँ से कटरा है 4-5 किलोमीटर होगा समथिंग। तो चलते हैं, यहाँ से चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर हमें रूम मिल चुका है और चाचा ने बहुत ही रिजनेबल प्राइस लिया है और देख सकते हो यहाँ पे सारा सामान है हमारा। तो यहाँ से सामान वगैरह हम उतारेंगे सारा और वहाँ पे रूम मिला है, वहाँ पे सारा सामान रखेंगे और 1-2 घंटे फ्रेश होने के बाद हम चलते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सबसे पहले। और कुछ इस तरीके का रूम है और यहाँ पे हम 2-2.5 घंटा स्टे करेंगे, आराम करेंगे। और ये देखो रूम का प्राइस 2 लोगों का, और सामान वगैरह हमारा सारा कुछ यहाँ पे जमा हो जाएगा। ये सारा सामान है हमारा और यहाँ से अब अभी 2-2.5 घंटे में हम चलेंगे। तो भूख लग गई है भाई, चार्ज वगैरह यहाँ पे कर लिया है। तो हम बना रहे हैं मैगी, आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ पर मैगी बन के तैयार हो गई है तो यहाँ से मैगी वगैरह कुछ हम खाएँगे और यहाँ से अब निकलते हैं कुछ टाइम में। तो चलते हैं और रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं वहाँ पर। सो भाई सामान हमारा पैकिंग हो चुका है और ये देखो पतली पतली गलियों में से हम निकल रहे हैं। तो इस वक्त हम मेन बाज़ार कटरा में हैं और यहाँ से बस स्टैंड कुछ ही दूरी पर है, मतलब 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। और बहुत ही खूबसूरत है ये देख सकते हो, और यहाँ से ये पहाड़ियाँ भी बहुत खूबसूरत है जहाँ पर माता वैष्णो देवी का भवन है। और यहाँ से हम राइट साइड में जाएंगे तो टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर लिखा हुआ है ये देखिए सामने, तो यहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी फ़ोटो वगैरह होती है। तो लेके चलते हैं हम आपको। अगर आप रेलवे स्टेशन के रास्ते आ रहे हो तो वहाँ पर भी आपका RFID कार्ड बन जाएगा, और अगर आप बस स्टैंड बस से आ रहे हो तो यहाँ पर भी आपका FRI कार्ड बन जाएगा। तो 4-5 जगह है वहाँ पे आपका FRI कार्ड आराम से बन सकता है। जैसे आप एरोप्लेन से आ रहे हो तो वहाँ पर भी आपका FRI कार्ड बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके का होता है FRI कार्ड, ये देख सकते हो। ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से आपको निशुल्क है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता। और ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है, जैसे कि हम यात्रा कर रहे हैं अगर बाई चांस हम बीमार हो जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ, तो ये कार्ड अगर आपके पास है तो इसकी वैलिडिटी होती है 2 दिन या 3 दिन होती है मिनिमम। तो आपको उतने दिन के अंदर वापस आना होता है। तो अगर आप वापस नहीं आते हो, कोई चीज़ आपके साथ मतलब कोई हादसा हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें ये बहुत बड़ी हेल्प करता है आपकी। तो इसके बारे में मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप यात्रा करके वापस आ रहे हो तो ये आपको जमा कराना बहुत ज़रूरी है। इसको गुम नहीं करना है और इसको मतलब कि मतलब तोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो चलते हैं यहाँ से, अब अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से हम चलते हैं बाल गंगा। तो वहाँ पर स्नान वगैरह करेंगे और फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पुरुष सम्मान सहित लिखा हुआ है और सामने ए रिस्किंग पॉइंट है, यहाँ पे आपके बैग वगैरह चेक होंगे, उसके बाद आप अंदर यात्रा के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। तो देख सकते हो आपको इस ए रिस्किंग पॉइंट से होके निकलना पड़ेगा। तो सामान में आप कोई भी हथियार या कोई जलनशील सामान ना लेके आएँ और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें और अच्छे से करें यात्रा अपनी। इस वक्त हम बाण गंगा में और यहाँ पर स्नान कर लिया है हमने और यहाँ से अब असली यात्रा शुरू होती है जो कि 14-15 किलोमीटर का ट्रैक है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं और हम आपको इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि बाण गंगा नाम कैसे पड़ा यहाँ पे। मान्यताओं के हिसाब से यहाँ कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी जी ने अपने तरकस से बाण निकालकर धरती पर मारा और गंगा प्रकट हुई और यहीं पर उन्होंने अपने केस धोए थे। और मान्यताओं के हिसाब से इस जगह को बाण गंगा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की बहुत ही पुरातन हिस्ट्री है और यहीं से माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू होती है जो कि 14 किलोमीटर की है। तो चलते हैं यहाँ से चढ़ाई शुरू करते हैं।
तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। बाणगंगा से 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका मंदिर के पास। और ये देखिए ये पवित्र स्थल यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से कहा जाता है कि माता रानी का जो पहला चरण पड़ा था यहीं पर पड़ा था, जिसके कारण इस मंदिर का नाम चरण पादुका रखा गया। तो चलते हैं, हम दर्शन करते हैं मंदिर के और कराते हैं आपको दर्शन। जय माता दी। सो देख सकते हो भाई, काफ़ी लोग घोड़े पे खच्चर पे जाते हैं बैठ के। तो ये छोटी सी बेबी है जो पैदल चल रही है, अब बिल्कुल थक भी नहीं रही, देख सकते इसको, और बिल्कुल चेहरे पे हंसी है इसके, तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो इसलिए अगर माता के दर्शन करने आ रहे हो, अगर आप सही हो, तो आप घोड़ा खच्चर मत कीजिए। माता रानी के दर्शन करने तो आप पैदल आइए और धीरे धीरे आइए, थोड़ा टाइम लगा के आइए, कोई बात नहीं, पर दर्शन करने आप अपने पैरों से जाइए। तो बाकी जब उतना छोटा बच्चा चल सकता है तो आप क्यों नहीं भाई। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी भाई खच्चर से आते हैं वो इस वीडियो को देखे और कुछ सीख मिले। बाकी प्रेम से बोलिए जय माता दी। सुवत कुमारी हम पार कर चुके हैं और अब चल रहे हैं माँ के भवन, और ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे में हम माँ वैष्णो देवी के भवन पहुँच जाएंगे। तो रास्ते में सफ़र में हमें माँ वैष्णो देवी के भक्त मिले और जिनसे मिल के हमें बहुत अच्छा लगा। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। माता दी। जय माता दी।